खाद्य सुरक्षा स्कीम राजस्थान में सितंबर 2013 में लागू हुई थी। इस स्कीम के अंतर्गत मध्यम वर्ग के परिवारों को चिन्हित किया गया था। उनको घर के प्रत्येक सदस्य को 2 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो गेहूँ मिलना अनिवार्य था। पिछले 3 महीने से करौली जिले में ये गेहूँ नहीं मिलने की वजह से हमारे समुदाय को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले ये गेहूँ कैसे मिलता था आपको? पहले ये गेहूँ 2 रुपये किलो मिलता था, अब हमको 20 रुपये किलो का गेहूँ लाना पड़ रहा है। ये कितने महीने हुए? ये 3 महीने हुए। अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके परिवार पे? हमारे परिवार पे ये प्रभाव पड़ रहा है कि हम ये देखो कि बच्चों को खाने को ला, पेट नाज ला, या फिर चाय पानी को करा, क्या हमारे घर में चाय भी नहीं बन पाती है ढंग से, न दूध ला सकते हम, न बच्चों को कपड़े पहरा सकते हम ढंग के। अब बताओ हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूर लोग ये 2 रुपये किलो के में हमारे घर में बहुत सारा लगता है हमको। अब 2 रुपये किलो के गेहूँ नहीं मिलने से 3 महीने से हम परेशान हैं। पिछले 3 माह से करौली जिले के काफी परिवारों को ये गेहूँ नहीं मिलने के कारण मैंने इस समस्या का वीडियो बनाया। जब हमने वीडियो दिखाया उसके 1 महीने बाद में करौली जिले के सभी परिवारों को गेहूं मिलने लगा। इन्होंने ऐसा क्या किया जो आपको गेहूं मिलने लगा? इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी थी, हमारे साथ गई थी और वहाँ पर उनसे मिली, कलेक्टर साहब से बातचीत करके ने हमको 3 महीने में गेहूं मिला है, इससे हमको बहुत सुविधा मिली है और ये मैडम हमारा बरोबर सहयोग दे रही है, इनको हम धन्यवाद करते हैं। क्या आपके बाढ़ के जो 500 परिवार हैं सभी को मिलने लगा? हाँ, सबको मिला है। अब एक सामुदायिक पत्रकारिता वे एक कैमरे की मदद से मैं इतना बड़ा बदलाव लाने में सफल हो पाई। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।